Good morning students, today we are going to cover the next module, Ethical, Social and Political Issues in E-commerce, in which we are going to study Understanding Ethical, Social and Political Issues in E-commerce. Internet और Internet का use होना E-commerce में Ethical, Social और Political Issues को बड़े पैमाने पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए उजागर करता है। ई कॉमर्स के बहुत सारे फीचर्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको एथिकल, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेट करके देखते हैं। यूबिक्विटी, काम और शॉपिंग फैमिली लाइफ में इश्यूज क्रिएट करने लगते हैं। शॉपिंग से वर्कर अपने काम से डेविएट होते हैं, जिससे कंपनी के प्रोडक्शन में कमी आती है। Presents confusing issues of nexus to authorities. Universal standards, दुनिया भर में computer virus और hacking के through लाखों लोग affect होते हैं। Information के वजह से crime बढ़ते जा रहे हैं। Richness, that is audio video. Screen technology के through पढ़ने की क्षमता को कम कर देती है। पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन, प्राइवेसी इश्यूज की पॉसिबिलिटी को ओपन करता है कमर्शियल और गवर्नमेंट के लिए। सोशल टेक्नोलॉजी, साइबर बुलिंग जो कि पर्सनल लाइफ अफेक्ट करती है। अ मॉडल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इश्यूज, द मेजर एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज that have developed around e-commerce over the past 14 years can be loosely categorized into four dimensions: information rights, property rights, governance, public safety and welfare. Information rights ki baat kare to apne personal information ka kya rights hai, business firm aur other organization ke bare mein जानकारी के लिए क्या राइट्स हैं इंडिविजुअल को। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें तो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को कैसे लागू किया जा सकता है, जहां पर प्रोटेक्टेड वर्क की बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर इजीली वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट, गवर्नेंस, क्या इंटरनेट और ई कॉमर्स को पब्लिक लॉ के अधीन होना चाहिए, उसके लिए लॉ मेकिंग बॉडीज़ स्टेट लेवल पे होगी, फेडरल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी एंड वेलफेयर, इंटरनेट और ई कॉमर्स चैनल्स में इक्विटेबल एक्सेस के लिए क्या एफर्ट किए जाने चाहिए, क्या गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल हो इंश्योर करने के लिए कि कॉलेज और स्कूल में इंटरनेट एक्सेस होगा या नहीं, कुछ ऑनलाइन कंटेंट्स जो पब्लिक के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट, बेसिक एथिकल कॉन्सेप्ट्स, एथिक्स द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए कि कोर्स ऑफ एक्शन सही है या नहीं। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी अपने काम के लिए जिम्मेदार हों। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़ को दूसरे के कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस को लेकर जवाबदेही होना चाहिए। लाइबिलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम का एक फीचर है जिसमें कानून लागू होता है कि जो भी नुकसान हुआ है उसका रिकवर किया जा सके सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और अदर एक्टर्स के थ्रू। ड्यू प्रोसेस में हाई अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये देखने के लिए कि लॉ को सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं। नेक्स्ट, एनालाइजिंग एथिकल डाइलेमास, Identify and clearly describe the facts. Find out who did what, to whom and where, when and how. Next,
define the conflict or dilemma and identify the high order values involved. Ethical, social and political issues always refers high values. Next, identify the stakeholders. Every ethical, social and political issues has stakeholders. Find out these group and what they want. Next, identify the options that you can reasonably take. None of options satisfy all the interest involved, but that some options do a better job. Next, identify the potential consequences of your option. Some option may be ethical, correct, but disastrous from other point of view. Next, candidate ethical principles. The golden rule. दूसरों की जगह अपने को रखकर देखने से सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, यूनिवर्सलिज्म. अगर हर जगह सेम रूल अप्लाई किया जाए तो क्या ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी सर्वाइव करेगा? नेक्स्ट, स्लिपरी स्लोप. रिपीटेशन वुड रिजल्ट इन अ नेगेटिव आउटकम. एक बार स्लिपरी पाथ शुरू हो जाने के बाद आप रुकेंगे या नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है. कलेक्टिव यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल. एक्शन वो लेना चाहिए जो कि अचीव करे ग्रेट वैल्यू फॉर ऑल द सोसाइटी. नेक्स्ट, रिस्क एवर्जन. एक्शन लेना चाहिए जिसमें कम नुकसान हो और कम खर्च हो. नेक्स्ट, नो फ्री लंच. अज्यूम दैट वर्चुअली ऑल टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स आर ओन्ड बाय सम एल्स अनलेस देर इज अ स्पेसिफिक डिक्लेरेशन अदरवाइज. नेक्स्ट, परफेक्ट इंफॉर्मेशन रूल्स. रूल्स जो कि क्राइम वगैरह से जो भी रिलेटेड हो वो क्लियरली होना चाहिए. नेक्स्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स. प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे इसमें. अगर इंटरनेट से वीडियोस डाउनलोड करना सही लगता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सोसाइटी में आपको प्रॉपर्टी राइट नहीं दिया जाए. थैंक यू.